सा, कुछ मीठा सा, कुछ बहन की शरारत सा, कुछ भाई की मुस्कुराहट सा ये त्योहार है भाई दूज का। नमस्कार, मैं अंकिता। भाई दूज के पावन पर्व पर आप सभी को मेरी और BCN की संपूर्ण टीम की ओर से BCN न्यूज के बरकते दिवाली के तहत भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार 5 दिन मनाया जाता है। यह धनतेरस उत्सव के साथ शुरू होता है। इसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, पाड़वा और फिर भाई दूज। दीपावली का 5वां दिन यानी कि भाई दूज। इस दिन को भाई दूज और यम द्वितीय कहते हैं। भाई दूज 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को अपने घर बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और यह वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही जो बहन इस दिन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी, उसके भाई की उम्र लंबी होगी। तभी से भाई दूज पर यह परंपरा बन गई। ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रह पर उनके घर गए थे। यमुना को दिए गए वरदान स्वरूप ही इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा यह भी है कि भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर वापस द्वारिका लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल, फूल, मिठाई और अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस पर्व को भाऊबीज, टिक्का, यम द्वितीय और मातृ द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज के दिन भाई और बहन को एक साथ यमुना में स्नान करना काफी शुभ माना गया है। इस दिन बहने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए यम के नाम का दीपक घर के बाहर जलाती है। इससे आकार मृत्यु का भय दूर होता है। इस दिन यम की पूजा करते हुए बहन प्रार्थना करेगी, हे यमराज, श्री मार्कंडेय, हनुमान, राजा बलि, परशुराम, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा इन 8 चिरंजीवियों की तरह मेरे भाई को भी चिरंजीवी होने का वरदान दे। भाई दूज मनाने के लिए सर्वप्रथम बहनें भाइयों को तिलक मलकर गंगा यमुना के जल में स्नान करवाती हैं। इसके बाद बहनें भाइयों को नए वस्त्र धारण करवाकर शुभ मुहूर्त में तिलक लगाती हैं। इसके लिए सबसे पहले भाई को एक चौकी पर बिठाया जाता है और उसके हाथों में एक श्रीफल दिया जाता है ताकि उसकी उम्र लंबी हो। उसके बाद भाई के माथे पर हल्दी और चावल की मदद से तिलक लगाते हैं। भाई की आरती उतारी जाती है और उसके हाथों पर कलावा बांधा जाता है। उसे मिठाई खिलाई जाती है। वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य भेंट देते हैं। इसके अतिरिक्त बहनें इस खास दिन यमराज के नाम से दीपक जलाकर उसे घर की दहलीज के बाहर रखा जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से यम की कुदृष्टि कभी भी भाई के ऊपर नहीं पड़ती। बहन लगाती तिलक, फिर मिठाइयाँ खिलाती हैं, भाई देता तोहफा और बहन मुस्कुराती है। कुछ ऐसे मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार। मेरी और BCN की ओर से आप सभी को फिर एक बार भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।